हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डायमंड डॉगीज। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट फीमेल डॉग के बारे में, यानी कि जब आपकी फीमेल जो है वो 20 डेज, 15 डेज या 25 डेज ओल्ड प्रेग्नेंट होती है, सो आप कैसे जज कर सकते हो कि आपकी फीमेल ने बच्चे कंसीव किए हैं या नहीं। इसको जज करने के लिए मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल के उसमें दिखाऊंगा, बिकॉज मेरे पास जो पग फीमेल है वो भी इस टाइम प्रेग्नेंट है, वो उसकी मैंने मेटिंग करा दी है, बट इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हमारी फीमेल जो है वो बिल्कुल प्रेग्नेंट ही है। लेकिन जो थोड़े से जो छोटे छोटे हम एग्जाम्पल देखते हैं या थोड़े से हम अंदाजे लगाते हैं कि हमारी फीमेल जो है इस तरह से प्रेग्नेंट पता करने लगती है, सो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए वीडियो बनाई है कि आप लोगों के लिए कुछ यार हेल्प हो जाए इस चीज़ के बारे में कि हाँ हमारी फीमेल जो है वो थोड़ी बहुत प्रेग्नेंट है। और मैं डे बाय डे आपको मैं बताता रहूँगा, जैसे कि आज मैं 20 डेज की बना रहा हूँ वीडियो, एंड उसके बाद मैं बनाऊँगा 30 डेज की, 35 डेज की या फिर 45 डेज की, जिससे कि आपको फुल पता पड़ता रहे हमारी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। सो आप लोग वीडियो में एंड तक बनाइएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरी फीमेल जो है इसके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजिंग हुई है, एंड आप निप्पल साइड देख सकते हो कि निप्पल जो है वो पिंकिश कलर में हो निकले हैं। पहले जो इनका कलर था वो था ब्लैक ब्लैक लगते थे, बट कुछ दिन से ये जो निप्पल्स हैं वो पिंक कलर के हो निकले हैं, आप देख रहे होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फीमेल का बिहेवियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगता है कि 15 डेज 20 डेज के बाद जो फीमेल का बिहेवियर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो कम बोलेगी, कम खेलेगी कूदेगी, लेकिन खाना उसका जो है, खाने का जो प्रोसेस है वो ठीक हो जाएगा। उन दिनों वो थोड़ा अच्छा खाएगी, ठीक खाएगी, बट आपको क्या करना है, जिस तरह का वो खाती थी पहले डेली, जैसे कि पहले वो अगर 2 चपाती खाती थी तो आपको उसकी जगह 1.5 चपाती देनी है एक टाइम में। बिकॉज़ जो फीमेल जब बच्चे कंसीव करने स्टार्ट करती है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसके पेट में जगह होनी चाहिए बच्चों को कंसीव करने के लिए। वैसे तो हम नहीं कह सकते कि बच्चे इसके पेट में इस टाइम कंसीव हो रहे हैं, बट जो हमारे थोड़े से जो अंदाजे हैं वो हम लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी फीमेल के जो निप्पल्स हैं हल्के हल्के लटकने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि आपको दिख पा रहे होंगे, एंड जो बाल हैं, जो निप्पल के साइड के बाल होते हैं वो भी खड़े खड़े होने लगते हैं, आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि वीडियो में जो बाल हैं वो भी खड़े होने लगते हैं, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ हमारी फीमेल जो है वो कंसीव कर रही है। एंड आप देख सकते हो इस टाइम जो इसके पेट का स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा है पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले जो इसका पेट था वो इतना ज़्यादा नीचे टच नहीं होता था, बट अब इस टाइम जो टच होने लगा है इससे भी पता कर सकते हो आप कि हाँ हमारी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या बच्चे कंसीव कर रही है। एंड फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो इसका प्राइवेट पार्ट होता है, जो बाथरूम वाली जगह होती है, वहाँ से जो है वाइट कलर का लिक्विड आने लगता है। अगर जैसे कि मेटिंग के 7-8 दिन बाद भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी 15-20 दिन बाद भी आता है, बट आपके अगर ऐसे कुछ भी आता है तो आप समझ जाइए कि हाँ आपकी फीमेल जो है प्रेग्नेंट है। एंड अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस टाइम जो इसका पेट है वो आपको देखने में कुछ अलग खुद को ही लग रहा होगा, बिकॉज मुझे खुद अंतर लगा है। जैसे कि इसके जो निप्पल्स हैं उसकी जगह खाली होने लगी हैं, बाल हटने लगे हैं वहाँ से, और निप्पल्स जो हैं वो बाहर आने लगे हैं, और जो निप्पल्स की जो बिंदियाँ होती हैं ये भी थोड़ा पहले ब्लैकिश कलर में थी, लेकिन अब जो है वो पिंक कलर होने लगा है इन निप्पल्स का। और इससे मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जज कर सकते हो कि हाँ आपकी फ़ीमेल ने बच्चे कंसीव करने स्टार्ट किए हैं। आप जब मेटिंग कराओ अपनी फीमेल की, उससे पहले आप ये सब चीज़ें देख लो कि इसकी फ़ीमेल का जो है पेट का स्ट्रक्चर क्या है, एंड जब आपको जब डे बाय डे आप देखोगे तो आपको खुद अंतर लगेगा। बिकॉज मैं तो देखता हूँ कि पहले भी मैंने देखा था मीटिंग से कि इसमें कुछ क्या क्या चेंजिंग है, एंड उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं। सो मुझे तो यार काफ़ी चेंजिंग्स लगी, और बाकी यार भगवान के ऊपर है, हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते कि हाँ हमारी फीमेल 101% कंसीव ही रह गई, बट जो हमारा एक वो होता है ना कि हाँ हमें एक अपना वर्क करना है, सो बस हम वही करते हैं। ब्रीडर्स जो होते हैं बस उनका एक काम होता है कि हाँ हमें अपना काम करना है भाई, बाकी जो है वो भगवान के ऊपर है। और ये सब सिम्टम्स हैं आप लोग देख सकते हो, और जो पानी पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है फीमेल, इस टाइम में पानी भी ज़्यादा पिएगी, खाना भी ज़्यादा खाना पसंद करेगी, लेकिन लास्ट के टाइम पे वो खाना भी कम कर देती है। सो उस टाइम हमें जो है लीवर टॉनिक की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उसकी जो भूख है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। आपको ना 50 डेज से खुद ही स्टार्ट कर देना है उसका लीवर टॉनिक, बिकॉज वो तो आपसे कह नहीं पाती कि हाँ मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं कुछ भी है, लेकिन आप देख सकते हो उसकी जो बात है उनको आप महसूस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये सब बातें थी कि आप घर पर नॉर्मली कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी फीमेल जो है बच्चे कंसीव कर
कर रही है। वैसे तो फ्रेंड्स आजकल काफ़ी स्कैनिंग का भी काम है और आप एक्सरे करा सकते हो कि आपकी फीमेल जो है बच्चे कंसीव कर रही है या नहीं, कितने बच्चे हैं ये तक पता पड़ जाता है। लेकिन वो जो है 35-45 डेज़ पर ही आप डैम श्योर हो पाते हो कि हाँ आपकी फीमेल जो है बच्चे कंसीव कर चुकी है। बट स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं उनमें हमें ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या है, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारी फीमेल जो है बच्चे कंसीव कर रही है या नहीं कर रही। सो फ्रेंड्स आप ऐसे जज कर सकते हो कि हाँ आपकी फीमेल जो है बच्चे कंसीव कर रही है, और आप जो तो उसका बिहेवियर इस टाइम देख रहे होगे ये कम ही हिलडुल रही है, ज़्यादा भाग कूद नहीं कर रही। बिकॉज़ पहले ये काफ़ी ज़्यादा, मैं थोड़ी देर का इसको बांध देता था तो ये काफ़ी ज़्यादा इधर उधर भागती रहती थी, बट इसमें अब वो एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़त्म ही हो गई, ज़्यादा मतलब नहीं इधर उधर हो रही, खेलना खेलना कूदना कुछ भी इससे अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम। और आपको इस टाइम खिलाना कूदाना भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 15 डेज़ 20 डेज़ होते हैं आपको उस टाइम भी फीमेल को ज़्यादा खिलाना कूदाना नहीं, और उसके जो बाद लास्ट डेज होते हैं ऐसे कम से कम 45 डेज़ करीब, तो आपको उस टाइम भी अपनी फीमेल को ज़्यादा खिलाना कूदाना नहीं है। और लास्ट के टाइम पे तो आपको जीने से ऊपर नीचे नहीं करना, सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं उतारना है, और कोई ऐसी जगह नहीं लेके जाना जहाँ पर गड्ढे हों या ईंटें वगैरह पड़ी हों, तो उस जगह आप अपनी फीमेल को ना लेके जाएँ। और टॉय ब्रीड्स में तो यार आप समझते हो इनका जो पेट होता है काफ़ी ज़्यादा नीचे को होता है, और आप अभी भी देख सकते हो इसका पेट जो अभी बैठी थी तो उसमें भी इसका पेट बिल्कुल नीचे छुल रहा था। सो आप लोग जो है कम ही इसको ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पर इस तरह कुछ भी हो। एंड फ्रेंड्स आपके जो ये फीमेल की बेली होती है ना वो अभी इस टाइम आपको दिखाई देनी स्टार्ट नहीं होगी कि उस जो उसने बच्चे कंसीव कर ली हैं या नहीं, बेली की साइड से नहीं पता पड़ेगा, वो आपको 35 डेज़ के बाद ही पता लग पाया कि आपकी फीमेल जो है साइड से दिख निकलेगा कि हाँ आपकी फीमेल बच्चे कंसीव कर रही है। एंड गाइस जो फीमेल की कंसीविंग का चांस है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर, आपकी केयर के ऊपर कि आपकी केयर कैसी है। अगर आप उसे अच्छा ठंडी तसीर का खाना देते हो, अच्छी केयर से रखते हो, ठंडा एनवायरनमेंट देते हो, तो 101% चांस होते हैं कि आपकी फीमेल जो है बच्चे कंसीव करेगी ही करेगी। बट हाँ हम उतना नहीं कह सकते, लेकिन अपना एक होता है कि हाँ हमारी फीमेल जो है वो अब कंसीव कर सकती है। आप ज़्यादा गर्मी में ना रखें फीमेल को, अच्छा ठंडा एनवायरनमेंट दें जिससे कि उसे कंसीविंग करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई गर्म तस्वीर का खाना ना दें जैसे कि अंडे हो गए या मीट वगैरह अगर आप देते हो तो कुछ मत दो इस टाइम। आप नॉर्मली दही मठा या दूध होता है तो आप दूध दीजिए, या जो भी आप दे सकते हो वो आप दीजिए, ठंडा ही दीजिए, गर्म कुछ मत दीजिए। सो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बिकॉज़ जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं उसके हिसाब से मैंने आपको ये बातें बताई हैं। अगर आप डैम श्योर होना चाहते हो 35-45 डेज़ के बाद, सो आप स्कैनिंग एंड एक्सरे करा सकते हो, वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, जो भी बात होती है सब कुछ वहाँ क्लियर हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।